वेलकम टू निगीज किचन। आज मैं आपके साथ बहुत डिफरेंट किस्म की आसान रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। टू 40 ml पानी डाला, 28 ग्राम बटर शामिल कर दिया अनसाल्टेड, 2 टेबलस्पून शुगर चली गई, 1/2 टीस्पून साल्ट चला। ये मैं पानी को बॉईल कर रही हूँ और ये बटर और शुगर जब तक मेल्ट होगी तब तक मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाऊंगी। लो फ्लेम पे करके थोड़ा थोड़ा इसमें मैदा शामिल कर दूंगी। थोड़ा ठंडा हो गया बैटर, अब इसमें मैं एक अदर अंडा शामिल कर दूंगी। ये 1 टीस्पून इसमें मैं वनीला एसेंस शामिल कर दूंगी। आहिस्ता आहिस्ता मैं इस बैटर में ये अंडा शामिल कर दूंगी। ये जब तक बिल्कुल मिक्स ना हो जाए और बराबर सा, अभी आप देखें आपके सामने मैं हल्के हल्के इसको करती जाऊंगी, बिल्कुल अंडा इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये मैंने डबल बैग लिया है पाइपिंग करने के लिए, इसको पहले काटा, इसमें नोजल फिट की और अब मैं इसके अंदर ये बैटर जो है डालूंगी। ये गोल्डन, ये मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं बना रही हूँ और इसको हमने हल्के हल्के बनाना है और ज़्यादा छेड़ना नहीं है। जब गोल्डन होंगे तो फिर टर्न करेंगे। आप देखें बिल्कुल बेहतरीन कलर आ रहा है इसका और बड़ी अच्छी शेप में ये बन रहा है। ये देखिए लाइट गोल्डन हो गए, इसको इससे ज़्यादा नहीं पकाना। मैंने हाफ मटेरियल के स्टिक्स से बनाई थी और ये थोड़े से फ्लावर शेप में बनाए हैं। आप लोगों की मर्जी है, आप लोग इसे फ्लावर शेप में भी बना सकते हैं। मुझे अच्छे लगे तो थोड़े मैंने बनाए, आप लोगों को भी पसंद आएंगे। देखिए मैंने पेपर समेत उठाया है और इसको बहुत ही प्यार से हम इसके अंदर छोड़ देंगे। ये देखिए फ्लावर भी कितने खूबसूरत पर लग रहे हैं, शक्ल में भी अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी, टेस्ट में भी। बनाइएगा ज़रूर, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।